खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी की कार्यसमिति बैठक पर तंज कसा है। वहीं करण महारा ने कहा कि ऐसी बैठकों से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी बैठकें करके कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरा जा सकता। पहले बीजेपी को अपने कैडर को टिकट देना चाहिए, वहीं बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य सत्ता पाना रह गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। साथ ही पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए भी यह चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि राज्य में आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं और दिल्ली में भी 100 से अधिक सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। देखिए, ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मैटर कहना नहीं चाहिए, परंतु जोश भरने के लिए मीटिंग करने से अच्छा था कि अपने कैडर को वोट देते, टिकट देते। ये तो बीजेपी के हाईकमान कह लूँ या गौतम साहब कह दूँ या भटजी कह दूँ, इन लोगों ने दो उपचुनावों में दोनों में बीजेपी के कैडर को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाग के गए और बडाना जी कहाँ से आई आप सबको पता है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि किसी बैठक से, कार्य समिति की बैठक से कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धित होगा। केवल सत्ता पाना, किसी भी कीमत पर पाना उद्देश्य किसी कर्मठ और आइडियोलॉजी वाले आदमी के लिए ज़रूरी नहीं होता। आज राज्य में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, इस बात से भी बीजेपी का जो कैडर होगा, जो जमीनी कार्यकर्ता होगा, वो परेशान होगा। और दिल्ली में आप देख लीजिए, 240 में से 100 से ज़्यादा सांसद आज कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए जो पिछले पूरे जीवन भर जिन्होंने काम किया, उन पर क्या बीतती हुई, जिनने उनका विरोध किया, वो 100 सांसद आज बीजेपी के सांसद हैं।